वारिस पठान जी, हम जानना चाहेंगे जैसे आरबीआई की रिपोर्ट के तहत 8,670 लोन फ्रॉड हुए हैं ये 5 साल के फाइनेंशियल ईयर में मार्च 31 2017 में करीब 612.6 बिलियन का फ्रॉड हुआ है, तो इस पर आपका क्या कहना? और ये जो अभी लेटेस्ट फ्रॉड है पीएनबी बैंक का 11,500, ये तो इसमें इंक्लूड भी नहीं है, तो इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है एक डेटा के मुताबिक जो आरटीआई के तहत निकला है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सही बात है, ये रॉयटर का रिपोर्ट है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत निकाला गया है। अब आप खुद समझ सकते हो कि इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, अब मोदी जी की सरकार सत्ता में, तो क्यों ये फ्रॉड हो रहे हैं? हम क्या वर्ल्ड को मैसेज दे रहे हैं कि एक आदमी बैंक में जाता है, एलओयू लेता है, पैसा बाहर भेज देता है? 2014 के चुनाव के पहले मोदी जी ने क्या कहा था? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज क्या हो गया? सब खा के भाग रहे और आज ब्लेम गेम चल रहे। एनडीए बोलती है यूपीए की सरकार ने क्या, यूपीए बोलती है एनडीए की सरकार ने क्या। अरे इतने सारे फ्रॉड हो गए हैं, तकरीबन 20,000 करोड़ रुपया हमारे टैक्स पेयर का बाहर चला गया, सरकार एक दूसरे पे ब्लेम कर रही है। ये सोचो लाना कैसा, क्या ये बैंकिंग सिस्टम है? ये टोटल फेल हो गया हमारा बैंकिंग सिस्टम। मैं तो इसको टेलाइट बैंक रॉबरी कहूंगा, एक मॉन्यूमेंटल फ्रॉड कहूंगा। और इसमें और एक चीज, बिना ऊपर बैठे हुए जो सत्ता में लोग हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, उनकी कनाइवंस के बिना इतना बड़ा लोन फ्रॉड नहीं हो सकता। और देखिए आप, एक वांटेड आदमी इंडिया का हमारे प्रधानमंत्री के साथ डावोस के अंदर बैठा है, क्या ये फेलियर नहीं है आईबी का? क्या ये फेलियर नहीं है सीबीआई का कि जांच पड़ताल करेंगे कौन ये आदमी है, क्यों बैठा है प्रधानमंत्री के साथ? तो क्या एक रीजनेबल डाउट दिमाग में क्लियर नहीं होता कि सरकार इस आदमी को प्रोटेक्ट कर रही थी? अब ये भाग गया, विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया। अरे तो एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है? जब हरि प्रसाद करके एक आदमी था जिसने 26 जुलाई 2016 को प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, जिसका एक्नोलेजमेंट भी है उसके पास पीएमओ ऑफिस का, एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, आप इसको रोकिए, क्यों सरकार नहीं जाकी, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार है, वहां के प्रोसिक्यूटर ने एफिडेविट डाला कोर्ट के अंदर कि भाई देखो ये स्कैम वाला आदमी है इसको, तो क्यों सिद्धारमैया ने कोई एक्शन नहीं लिया? तो मैं कहूंगा ये एनडीए यूपीए दोनों सरकार की जवाबदारी बनती थी इसको रोकना, पर दोनों फेल हो चुके टोटली, इस वजह से इतना बड़ा स्कैम हुआ। और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, आगे बहुत कुछ आना बाकी है। अगर इसी तरह रहा तो हमारे देश का क्या अंजाम होगा आप सोच सकते हैं। वरित जी, जैसा देखा जाए कि आम इंसान, एक आम जनता, कोई भी हो चाहे एक आम आदमी, अगर उसके अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं होता है, जैसा 1,000 रुपए का अकाउंट खुला है, अगर 1,000 रुपए भी मेंटेन नहीं होता, 100 बार से बैंक से कॉल और मैसेज आ जाते, तो इतना बड़ा फ्रॉड हो तक बैंक का इसमें क्या है? बैंक पूरी इन्वॉल्व है, बैंक ने कायदा कानून को कुछ फॉलो ही नहीं किया और इस तरह का स्कैम हो गया। मैं सब आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 1,000 से ज्यादा किसानों ने अब तक आत्महत्या कर ली है जी, उनको 1,00,000-1.5 लाख रुपए का लोन नहीं मिलता, इतने ऐसे मैसेज आ जाते हैं साहब। और दूसरी भी बात सुनिए, फैक्ट है ये कि अगर कोई मुसलमान या दलित बैंक में लोन अप्लाई करता है 5 लाख रुपए का, तो उसको 50 धक्के खाने पड़ते हैं मगर लोन नहीं मिलती है। और इस तरह के क्रुक्स और चीटर जाते हैं बैंक में, करोड़ रुपए का गबन करके देश के बाहर चले जाते हैं, ये सच्चाई हकीकत है। मगर आज 4 साल हो गए मोदी सरकार को, अगर वाकई में सरकार सीरियस है तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके जितने भी फ्रॉडस्टर स्कैमस्टर चोर बाहर भागे सबको लाना चाहिए। देश में 1-1 रुपया जो हमारे देश का बाहर गया है वो देश में आना चाहिए। कहा था काला धन लाएंगे मगर आज सफेद धन हमारे देश के बाहर जा रहा है, इसको लाना पड़ेगा सरकार को और जवाब देना पड़ेगा हमारे लोगों को कि आपका मेरा हम सबके टैक्स पेयर का मनी है। कहीं ना कहीं स्कैम को रोकना चाहिए और इसकी तरतीब बनाना चाहिए कि आगे से इस तरह की चीजें हमारे देश में ना। बहुत बहुत शुक्रिया F3 न्यूज से बात करने के लिए वारिस पठान जी।